हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करंट अफेयर्स के लिए बातचीत करेंगे। आपको मैसेज किया था सुबह कि आज हम लोग करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। ये वीकली करंट अफेयर्स डिस्कशन होगा, हर हफ्ते का करंट अफेयर्स एक बार, और उसको कैसे देखना है ये वीडियो को लास्ट में आपको बताएंगे। पहले कुछ अच्छी खबरों के साथ शुरुआत की जाए। अच्छी खबर ये है कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने लेखपालों की भर्ती के लिए जो पुराना नोटिफिकेशन आया था उसको जारी किया गया है, और कहा गया है कि जब कोविड का संकट ये खत्म होगा, लॕकडाउन सारा खत्म होगा, तो 5200 लेखपालों की जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाएगा। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो उसकी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये 5200 लेखपालों की भर्ती होने वाली है, तो इसके लिए तैयारी में आप बिल्कुल लगा रहें। ये जो भर्ती लगे रहें, ये जो भर्ती होगी ये यूपी ट्रिपल एससी को सौंपी गई। यूपी ट्रिपल एससी इसका जो है कि रिक्रूटमेंट कराएगी, तो इसके लिए तैयारी अभी से लगे रहें। ये कोरोना का संकट है जरूर, लेकिन अगर आप इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो ये संकट आपके लिए अवसर में भी बदल सकता है। इस संकट को अवसर में बदलिए और तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए, ठीक है। करंट अफेयर्स बिल्कुल जरूरी है आपके लिए। पहले इस हफ्ते की कुछ खास खास बातों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात कि आज का दिन जो है 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है यानी विश्व विरासत दिवस है, तो 2020 का जो विश्व विरासत दिवस है, वर्ल्ड हेरिटेज डे है, इसकी जो थीम रखी गई है, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा उत्तरदायित्व, ठीक। तो साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा उत्तरदायित्व, ये इस बार के 2020 के विश्व विरासत दिवस की थीम रखी गई है। इसके अलावा ब्रिटेन की एक क्लासिकल स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल बनाने की कंपनी है नॉर्टन। तो नॉर्टन कहाँ की कंपनी है? ब्रिटेन की कंपनी है, यूके जिसको बोलते हैं। तो इस नॉर्टन कंपनी को भारत की एक ब्रांड है टीवीएस, टीवीएस ने इसको 16 मिलियन पाउंड में खरीद लिया है, ठीक है। तो नॉर्टस का अधिग्रहण भारत की किस कंपनी ने किया है? टीवीएस ने। कितने में इसका अधिग्रहण किया गया है? 16 मिलियन पाउंड में इसको खरीदा गया है। नॉर्टन इस चीज़ की कंपनी ही क्लासिकल मोटरसाइकिल, स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल वगैरह बनाती है, ठीक। इसके अलावा भारत सरकार की जो कृषि मंत्रालय है, तो उस कृषि मंत्रालय ने किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, किसान रथ। तो जो किसान रथ मोबाइल ऐप है, ठीक, किसान रथ मोबाइल ऐप, ये किसने लॉन्च किया है? भारतीय कृषि मंत्रालय ने, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने, ताकि इस आपदा के समय में किसानों को उनके मंडी से जुड़ी हुई सूचनाएँ, कीमतों का आकलन, वो सारी चीज़ें मोबाइल के माध्यम से किया जा सके, ठीक। इसके अलावा भारत में कोविड संकट को देखते हुए जो हेल्थ केयर से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, तो उसमें फाइनेंस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हुई। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB, तो इस AIIB ने भारत में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए 500 मिलियन डॉलर का जो है कि फाइनेंस किया है, ताकि इस कोविड जो संकट अभी चल रहा है, कोरोना का संकट चल रहा है, उसे जूझने के लिए हेल्थ केयर सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक। फिर इसी प्रकार से हमारी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, छत्तीसगढ़ CG गवर्नमेंट ने CG हार्ट नामक एक मोबाइल ऐप बनाया है, ताकि जो छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं, उनके जो बागवानी के उत्पाद हैं, उनको बाज़ार से जोड़ा जा सके और बाज़ार में उनकी पहुंच को और आसान किया जा सके। तो उनको, किसानों को बाज़ार से जोड़ने के लिए CG हाट, ताकि किसानों को और जो बागवानी के उत्पाद करने वाले हैं उनको अपनी उपज का सही दाम मिल पाए। तो CG हाट ये मोबाइल ऐप है, ये किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने, ठीक। इसके अलावा कल का जो दिन था 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। हीमोफीलिया जो रक्तअल्पता कहा जाता है, इस हीमोफीलिया से जूझने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे यानी विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। अभी कोविड के संक्रमण इतना तेज़ी से संक्रमण फैला है, भारत सरकार ने बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाए हैं, और इस बहुत सारी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ एक और बड़ी घोषणा की गई है कि सार्वजनिक स्थान पर जो थूकना होता है, पब्लिकली पान खा के, गुटखा खा के थूक देते थे, तो उस थूकने को भी अब दंडनीय अपराध बना दिया गया है। यानी अगर आप पब्लिकली थूकते हैं तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, एक दंडनीय अपराध होगा। तो थूकना दंडनीय अपराध बनाया गया है। इसके लिए जो भारतीय जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसमें सेक्शन 51B जोड़ा गया है, यानी अंडर सेक्शन, UOB का मतलब होता है अंडर सेक्शन, यानी 51B जो सेक्शन है किसका? आपदा प्रबंधन अधिनियम के सेक्शन 51B में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर थूकता हुआ पाया जाता है तो उसको 1 साल की सजा होगी, 1 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट, 1 वर्ष की सजा होगी,
या जुर्माना या दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए 1 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों किया जा सकता है। इसके अलावा एक अच्छी खबर भारत के लिए ये भी है कि 2020 का जो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, वो 2020 का एशियन जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उसकी मेज़बानी भारत को मिली। संभवतः ये नवंबर दिसंबर 2020 में होना है, तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो नवंबर दिसंबर 2020 में इस साल होना है, वो उसकी मेज़बानी भारत को ही मिली हुई है, ठीक। फिर 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही माने जाते हैं। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में एक मध्य प्रदेश में एक जगह है मऊ में उनका जन्म हुआ था, और उनकी मृत्यु जो हुई थी 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। तो क्योंकि भारत के संविधान के निर्माता माने जाते हैं, इसलिए 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा और भी कुछ छोटी छोटी खबरें हैं, जैसे WWE ने विश्वनाथन आनंद जो चेस प्लेयर हैं, शतरंज के जाने माने खिलाड़ी हैं, भारत के ग्रैंड मास्टर रहे हैं, तो विश्वनाथन आनंद को WWF वर्ल्ड वाइड फेडरेशन ने विश्वनाथन आनंद को भारत में पर्यावरण अवेयरनेस के लिए, एनवायरमेंट अवेयरनेस यानी पर्यावरण जागरूकता के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो WWE ने भारत में पर्यावरण जागरूकता के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, विश्वनाथन आनंद को अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा जो इस कोविड संकट में जो सबसे ज़्यादा सेक्टर प्रभावित हुआ है, वो टूरिज्म का, पर्यटन का, तो पर्यटन सेक्टर को पटरी पर लाने के लिए और भारत के जो टूरिज्म है, अंदर भारत में ही टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया है देखो अपना देश। तो जो देखो अपना देश, ठीक, देखो अपना देश, तो जो देखो अपना देश है ये पोर्टल, ये हमारा जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, पर्यटन मंत्रालय, ठीक है। तो इस पर्यटन मंत्रालय ने ये वेबसाइट पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि वेब सीरीज है ये, ताकि लोगों को घर बैठे बैठे जो भारत में टूरिज्म के जो जो प्लेस हैं, जो जो स्थान हैं, उनके बारे में सारी सूचनाएं मिल सके, ठीक। तो इसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, क्लियर। चलिए, और भारत सरकार ने इसी कोरोना से जूझने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, आरोग्य सेतु। लगभग सबके मोबाइल में आरोग्य सेतु आ गया, सरकार इसका प्रचार भी कर रही है। तो ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, इसको बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है कि अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमण का अगर कोई मरीज है या कोरोना संक्रमित कोई मरीज है, तो वो डिटेक्ट करके आपको बता देगा, तो आपको थोड़ी सावधानी रहेगी। तो ये आरोग्य सेतु ऐप पूरे विश्व में 50 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 50 मिलियन तक पहुंचने वाला विश्व का सबसे तेज मोबाइल ऐप बना हुआ है। सोचिए, मात्र 13 दिनों में आरोग्य सेतु 50 मिलियन के आंकड़े तक पहुंच गया है, यानी इसको 50 मिलियन लोगों ने सब्सक्राइब किया है इस आरोग्य सेतु ऐप को, मात्र कितने दिनों में, 13 दिनों के अंदर। तो ये विश्व में मात्र सबसे कम दिन में 50 मिलियन तक पहुंचने वाला ये सबसे तेज या कह लीजिए पहला मोबाइल ऐप, ठीक। चलिए, तो ये इस हफ्ते की कुछ खास खास करंट अफेयर्स की बातें रही हैं। अब इस करंट अफेयर्स की जो बातें हैं, इनको चाहे तो आप लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। चलिए, अब ये जो करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो करंट अफेयर्स में ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर्स एक कंटिन्यू निरंतर चलने वाली चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि आप एक बार पढ़े और ये यही रहेगा, ये चेंज होता रहता है। तो इसलिए आपको डेली हमेशा अपडेट करना होगा। हर हफ्ते हफ्ते हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, और एक हफ्ते में 10, 12, 14, 15 से ज़्यादा फैक्ट नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक हफ्ते में अगर आपको हम 50-100 फैक्ट लिखवा दें, तो पता चला महीने भर में 400 फैक्ट हो जाएंगे, और 400 फैक्ट याद करना पॉसिबल नहीं है। तो बहुत जो खास खास चीज़ें हैं, हफ्ते भर के 10, 12, 14, 15 इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हर एक डेली हर आप एक एक दो दो फैक्ट इकट्ठा करते चले जाएंगे, तो हफ्ते भर में 14-15 फैक्ट आपके इकट्ठा हो जाएंगे, तो महीने भर में 60 फैक्ट होंगे। तो औसतन एक दिन में 2 फैक्ट आप याद कर सकते हैं, लेकिन ये डेली होना चाहिए। एक कोई न्यूज़पेपर हो, हिंदी इंग्लिश, जो न्यूज़पेपर आपको समझ में आता हो, जिसकी भाषा आपको अच्छी लगती हो, कोई एक अखबार लीजिए, उस अखबार में जो काम काम की चीज़ें हों, एक अखबार से कम 2 लाइन का फैक्ट आपके पास होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं।
आप क्या करते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ने का जो आपका तरीका होता है कि मंथली मैगजीन लेते हैं या ऑनलाइन, अब तो वेबसाइट पर ढेर सारी जानकारियाँ मिलती हैं, करंट अफेयर्स के कैप्सूल आते हैं, तो मंथली आप पढ़ते हैं। तो मंथली में एक दिन आप बैठ के सोचते हैं कि 60, 70, 100, 150 जितने फैक्ट हैं वो सारे आप याद कर पाएँ, या करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है, प्रतियोगिता, दर्पण है, क्रॉनिकल है, वो सब 150-200 पेज की मैगजीन आती है, अब एक साथ आप पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब एक दिन में आप 30 दिन का खाना नहीं खा सकते, एक दिन में आप 60 रोटी नहीं खा सकते, लेकिन अगर डेली 2 रोटी खाएं तो महीने भर में 60 रोटी खा सकते हैं। वही करंट अफेयर्स के साथ है कि आप एक दिन बैठ के सोचते हैं कि 60 के 60 महीने भर का फैक्ट हम सारा खा जाएं, सारा याद कर जाएं, पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी सारी चीज़ें एक साथ याद कर पाए। डेली 2-2 लाइनें आप इकट्ठा करते चलेंगे, 2-2 फैक्ट इकट्ठा करते चलेंगे, याद करते चलेंगे, तब आप महीने भर में 60 फैक्ट याद कर पाएंगे। अब डेली क्लास हम लोग को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वीकली चलेंगे, और वीकली आपको कम से कम मैटर इकट्ठा रखना है, जितना कम आप सिलेक्टिव अपने पास रखेंगे एग्जाम में रिविजन के लिए आपके पास समय होगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक दिन में 2 लाइन फैक्ट इकट्ठा करते चलेंगे, तब जाके महीने भर में आप 60-70 फैक्ट्स इकट्ठा कर पाएंगे और 6 महीने में आपके पास करंट अफेयर्स का अच्छा खासा स्टॉक तैयार होगा। तो एक दिन में 2 फैक्ट, कोई एक न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से अच्छा कोई साधन नहीं, करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से ही आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता हो, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, जो न्यूज़पेपर आपको अच्छा लगता हो किसी एक को पकड़िए, किसी एक मीडियम का, और एक दिन में 2 फैक्ट। यही चीज़ें जो आज आप लिखे हैं मंथली जो मैगजीन आप पढ़ते हैं, तो 2 महीने बाद जब आप देखेंगे तो यही चीज़ें वहाँ पर फैक्ट के रूप में इकट्ठा होंगी। तो पहले आप इसको रेगुलर पढ़ते रहिए, जब आप मंथली मैगजीन अगर लेंगे तो आपको यही चीज़ें घूम फिर के मिलेंगे, तो आपको उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपनी मंथली मैगजीन आप खुद तैयार कर सकते हैं। आप देखेंगे यूट्यूब पर, फेसबुक पर लोग खुद ही अपलोड कर देते हैं, तो आप भी अपलोड कर सकते हैं, अपना मैगजीन आप खुद ही तैयार कीजिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के लिए तैयार, लेकिन बस ये है कि परेशान होने की जरूरत नहीं, बस ये है कि आपको कंटिन्यू रहना है, डेली आपको 2 फैक्ट तैयार रखने हैं। हम आपसे वीकली मिलेंगे और एक एक वीक के जो सबसे खास खास चीज़ें उस पर चर्चा करते हैं। एक लास्ट की खास पॉइंट कि इस बार 14 अप्रैल को जो त्यौहार मनाए गए हमारे यहाँ, उस दिन प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित भी किया था, वो चीज़ें रह गई हमारी, कि जैसे वैशाखी का त्यौहार है इसी दिन 14 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कहाँ मनाया जाता है, पंजाब में। इसी 14 अप्रैल को विशु भी मनाया जाता है, भारत विविधता वाला देश है, तो पंजाब में जहाँ वैशाखी मनाई जाती है उसी दिन 14 अप्रैल को मलयालम न्यू ईयर होता है, मलयालम लॉन्गर्स होता है, जिसको विशु कहा जाता है। इसी 14 अप्रैल को ही पुथांडू मनाया जाता है, जो तमिल न्यू ईयर है, तमिल नववर्ष है। इसी 14 अप्रैल को रंगाली बिहू मनाया जाता है, तो ये जो रंगाली बिहू है ये आसाम का फसल का त्यौहार है, हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम, और इसके ठीक एक दिन बाद 15 अप्रैल को पोलिया बैसाख, ये बंगाली न्यू ईयर है, बंगाली नववर्ष है, जो हर साल वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। बस ये है कि ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है, बाकी जितने भी हैं, चाहे पंजाब का वैशाखी हो, मलयाली न्यू ईयर विशु हो, चाहे तमिल न्यू ईयर पुथांडू हो, या आसाम का हार्वेस्ट सीजन हो, रंगाली बिहू हो, ये सब कितने को मनाए जाते हैं, सारे के सारे फेस्टिवल 14 अप्रैल को मनाए जाते हैं, 14th अप्रैल। ये भी भारत की खूबसूरत विरासत का दर्शन होता है कि एक ही दिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। तो मलयालम नववर्ष को क्या बोलते हैं, विशु, तमिल नववर्ष पुथांडू, और बंगाली नववर्ष को पोलिया बैसाख, ठीक है। तो इसे भी आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये एक ही दिन में मनाए जाने वाले भारत के त्यौहार हैं। इस हफ्ते के लिए इतना, अगले हफ्ते हम लोग मिलते हैं कुछ नए फैक्ट्स के साथ, आप भी थोड़ा थोड़ा करके तैयार करते रहिए। थैंक यू।